इस वीडियो में देखेंगे क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में लीगल है या इलीगल है। दोस्तों हे दोस्तों, मैं आकाश गर्ग स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल स्टेप ट्रेडर्स पे। इस वीडियो में हम देखेंगे क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में लीगल है या इलीगल है और क्या आपको करनी चाहिए या नहीं, और अगर करनी चाहिए तो कौन से प्लेटफॉर्म पे इजिली कर सकते हो। ये अभी हमने एक सीरीज बना रखी है, इसमें हम सारे बेसिक से लेके कवर कर रहे हैं। हमने सबसे पहले देखा था फॉरेक्स मार्केट क्या है, फॉरेक्स में टाइम जोन कौन कौन से होते हैं, उसके बाद आप कहाँ पे ट्रेड कर सकते हो फॉरेक्स में, डिफरेंस बिटवीन स्टॉक्स मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट। अब इस वीडियो में देखेंगे क्या हम इंडिया में रहते हुए फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं या नहीं। हम में से काफी लोग अभी इंडिया में रहते हैं जो आप लोग वीडियो देख रहे हो, और क्या आप कर सकते हो या नहीं, करते हो तो क्या वो सही है या नहीं। इसके बाद में काफी सारी वीडियोज आनी है कि फॉरेक्स में कितनी करेंसीज होती हैं, कौन किसे हम बेस करेंसी कहते हैं, किसे हम कोड करेंसी करते हैं, और कौन कौन सी करेंसी पे आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए, और फॉरेक्स में ट्रेड करने का कौन सा बेस्ट टाइम है, फॉरेक्स में पिप्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, सब कुछ ए टू जेड डिटेल में कवर करने वाला हूं मैं। इसलिए मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कभी कर दें। चलते हैं सीधा वीडियो पे, टॉपिक पे, क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल है या इलीगल है। सी, अकॉर्डिंग टू इंडियन फेमा एक्ट 1999, फेमा एक्ट के अकॉर्डिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए या किसी भी ट्रेडिंग एप्लीकेशन या किसी भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज के लिए इंडिया से बाहर पैसा भेजना इलीगल है। अगर आप इंडिया से बाहर नेपाल, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, यूएस, यूके, कनाडा, कहीं भी दुनिया में इंडिया से बाहर जितने भी कंट्रीज, अपन 90+ कंट्रीज हैं, वहां पे अगर आप INR भेजते हो तो वो इलीगल है अगर आप ट्रेडिंग एक्टिविटीज के लिए भेज रहे हो। बट उस चीज को सॉल्यूशन देखने के लिए काफी सारे ब्रोकर्स ने इंडिया में रहते हुए इंडिया में अपने कुछ लोकल बैंक डिपॉजिटर्स बिठा दिए हैं जहां पे आप डिपॉजिट कर सकते हो। इसके अलावा इंडिया में आपके पास ज़ीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, आप स्टॉक्स जैसे फॉरेक्स ब्रोकर्स हैं जिन पे भी आप ट्रेड कर सकते हो, बट वहाँ पे लिमिटेशंस आती हैं कि एक तो आप 9 से 3 की विंडो में कर सकते हो, खाली 6-7 घंटे कर सकते हो, उसके बाद आप नहीं कर सकते हो। प्लस वहाँ पे कोई भी वॉल्यूम नहीं होता है, ठीक है। वहाँ पे आपको INR पेयर मिलेंगे जैसे USD INR, EUR INR, JPY INR, और उसके अलावा आपको 3 USD पेयर मिलते हैं, USD JPY, EUR USD और शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग Pound USD। ये आपको पेयर्स मिलते हैं बट उनमें कोई भी वॉलेटिलिटी नहीं होती है, प्लस लेवरेज इतनी नहीं होती है जितनी हमारी फॉरेक्स मार्केट देता है। बट मोर लेवरेज मींस मोर रिस्क, ठीक है। काफी लोगों को लगता है कि हम 1:200, 500, 1000 के लेवरेज ले लें हमारे लिए बेटर होगा, बट नहीं दोस्तों, लेट मी क्लियर यू टूडे, जितनी ज्यादा लेवरेज उतना ज्यादा रिस्क, उतना ज्यादा आपके लॉस करने के चांसेस। So, कभी भी इस ट्रैप में मत फंसना। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, 1:100 की लेवरेज मोर देन सफिशियंट है, 100 से ऊपर मत जाइए। मैं देखता हूँ लोगों को 2000 की लेवरेज लेके बैठे हैं और उनका अकाउंट है $50 का, $100 का, वो सोचते हैं मेरे अकाउंट पे इतना पैसा आ गया। नहीं, वो आप 100, 200, $500 आप मार्केट में देने के लिए आए हो, अगर आप 100 से ऊपर 200, 300, 500 की आप लेवरेज रखते हो तो। अगर आपको ट्रेडिंग आती है अच्छे से, आपको कॉन्फिडेंस है तो आप रख लो, नो डाउट एट ऑल। बट स्टिल अगर आप 100 से ऊपर रखते हो वो आपके लिए रिस्की है, प्लीज मत रखो। वापस आते अपने टॉपिक पे, इंडियन ब्रोकर्स में जो भी हैं जैसे ज़ीरोधा, काइट वगैरह, एंजल ब्रोकिंग, वहां पे आपको लिमिटेड लेवरेज मिलती है एंड दैट इज फाइन, आपको प्रॉफिट कम होगा बट आपका रिस्क भी मिनिमम रहेगा। बट अगर आप OctaFX, XNX, XM पे आते हो, वहां पे आपको ज्यादा लेवरेज मिलती है और वहां पे आप 100 तक लीजिए, उससे ऊपर मत लीजिए। एंड अगेन, फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल इलीगल? सो फॉरेक्स ट्रेडिंग फेमा एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आप इंडिया से बाहर USD भेजते हो तो वो चीज इलीगल है। बाकी आप फॉरेक्स में रहके इंडिया में OctaFX, XNX, XM पे इन पे ट्रेड कर सकते हो, या आपको इंडिया में रहते हुए भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इनमें आप INR से डिपॉजिट विड्रॉ कर सकते हो, और अगर आप कोई अच्छा ब्रोकर देख रहे हो तो उसके लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिन कमेंट मिल जाएगा। आप XM पे अकाउंट बना सकते हो, XM पे आपको UPI से डिपॉजिट और विड्रॉ करने का मौका मिलता है, और उसी के साथ साथ सेम डे विद इन 60 मिनट्स to 3 to 4 आवर्स आपका ट्रांजेक्शन कम्प्लीट हो जाता है, चाहे डिपॉजिट का हो, विड्रॉ का हो। जितना आप डिपॉजिट करोगे, विड्रॉ करोगे, 1 से लेकर 2-3 घंटे में सारे आपके ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट हो जाते हैं। बट यस, ट्रेडिंग कम्स विद द रिस्क। आप ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले एक बार सारी चीजें देख लीजिए, फेमा एक्ट देख लीजिए कि आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए नहीं, क्या आपके लिए ट्रेडिंग है या नहीं, क्या आपको इसमें लॉस हो सकता है, प्रॉफिट होता है, क्योंकि ट्रेडिंग में काफी लोग आते हैं प्रॉफिट करने के लिए बट होता है उन्हें अल्टीमेट लॉस। तो ट्रेडिंग सीख के कीजिए, कितनी करनी है आपको, कितनी नहीं करनी है, किसे ओवर ट्रेडिंग कहते हैं, कैसे आपको प्रॉफिट होता है, ऐसे आएंगे आप ये सब चीज़ें सीख के, सब चीज़ें पढ़कर, तो आपको लॉस होने के चांसेस बहुत कम होंगे। अदरवाइज स्टार्टिंग में हर बंदा लॉस करता है, मैंने भी करे हैं और शायद आपने भी करे होंगे। मेक श्योर कि आप ये सब चीज़ें देख लीजिए, उसके बाद में ही ट्रेडिंग स्टार्ट करिए, कि ट्रेडिंग कम्स विद द रिस्क। ऐसा सोच के मत आइए ट्रेडिंग में आप 25 दिन में पैसा डबल कर लोगे या ट्रेडिंग में आप रातों रात अमीर बन जाओगे, नहीं।
जितने भी ये सब साइकोलॉजीज हैं, जिन लोगों ने मिथ बना रखे हैं ट्रेडिंग में कितना पैसा होता है, नो डाउट आई एम ऑल्सो एक्सेप्टिंग दैट, बट एक टाइम के बाद में, स्टार्टिंग में डे वन से, एक साल से, एक हफ्ते, एक महीने से नहीं, इस टाइम पे आपका स्ट्रगलिंग पीरियड होगा, आप वहाँ पे लॉस करोगे, आपको वहाँ पे सीखना है सारी चीज़ें, ठीक है। स्टार्टिंग में आप इस सब फैंसी चीज़ें छोड़ दीजिए, अपनी खाली लर्निंग्स पे ध्यान दीजिए, एक्सपीरियंस पे ध्यान दीजिए दोस्तों। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो, या फिर आप हमें टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं स्टेप ट्रेडर्स ऑफिशियल पे, वहाँ पे हमारे सपोर्ट टीम अवेलेबल है, आप वहाँ पे उनसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। और अभी हमने एक सीरीज चला रखी है, इससे पहले हमने काफ़ी सारी वीडियोज बनाई थी, जैसे मैंने वीडियो को शुरू में बोला था, अब एक बार दोबारा बताता हूँ, इससे पहले मैंने वीडियो बना रखी है फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, कौन कौन से उसके टाइम जोन्स होते हैं, फॉरेक्स मार्केट में अगर हम कंपेयर करें स्टॉक्स और क्रिप्टो से तो क्या डिफरेंस है, अगर आपको जानना है तो आप वीडियो देख सकते हो, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप वीडियो के ऊपर आई बटन में भी जाके देख सकती हो। और अभी इसमें काफ़ी सारी और वीडियोस आनी है कि कितनी करेंसीज होती हैं, कौन सी बेस करेंसी होती है, कौन सी कोर करेंसी होती है, उन करेंसीज में आपको बेस्ट ट्रेडिंग करने का टाइम क्या है, यूएसडी अगर आप ट्रेड करते हो या गोल्ड अगर आप ट्रेड करते करना चाहते हो, गोल्ड में अगर आप मैक्सिमम प्रॉफिट चाहते हो तो गोल्ड को ट्रेड करने का कौन सा बेस्ट टाइम है। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना अगर आपको सारी चीज़ जाननी है। इस हमने एक सीरीज चला रखी है, इसमें भी काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस आनी है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक प्रॉफिट करते रहिए एंड सीखते रहिए।